नमस्कार, आप देख रहे हैं एस के पी लाइव न्यूज। कल धार महू लोकसभा की मतगणना की तैयारियां धार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पूर्ण हो चुकी है। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में कल मतगणना होगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विन कुमार रावत और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में डाक मतपत्र जिला कोषालय से शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित पोस्टल बैलेट स्ट्रांग रूम में पहुंचाए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे। मतगणना संबंधित तैयारियों का उन्होंने निरीक्षण किया है। तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। 7 विधानसभा के मतपत्र की गणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। अलग अलग विधानसभा के अलग अलग चक्र होंगे। 14-14 टेबल लगाकर गणना करने की व्यवस्था की गई है। मऊ विधानसभा की गणना करने के लिए इंदौर में व्यवस्था की गई है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मोबाइल ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मतगणना 4 जून की सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। नतीजे लगभग 4 बजे तक आने का अनुमान है। देखें खबर इसके पी लाइव न्यूज पर। काउंटिंग का कार्यक्रम 4 जून के लिए नियत है माननीय भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, और इसी तारतम्य में धार लोकसभा क्षेत्र की भी जो मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और कल 4 जून को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। उससे पहले 7 बजे स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। सभी हमारे तीनों प्रेक्षक महोदय भी आ गए हैं और उन्होंने भी पूरी तैयारियां देख ली। काउंटिंग सभी ऑफिशियल्स की नियुक्ति हो गई है। अभ्यर्थी और उनके एजेंट्स वो लोग भी यहाँ आकर के उन्होंने भी सारी व्यवस्थाएँ देख ली हैं। पोस्टल बैलेट आयोग के निर्देशानुसार जितने भी अभी तक प्राप्त हैं वो भी स्ट्रांग रूम में आ चुके हैं। इस प्रकार पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। गर्मी को देखते हुए किसी भी प्रकार से किसी भी यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित रहेंगे उनके साथ उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए भी व्यापक प्रबंध किए गए। मैं ये मानता हूँ कि सभी तैयारियों को देखते हुए कि हम लोग 2 बजे तक अच्छे ट्रेंड्स भी इन लोगों को पता चल जाएंगे क्या ओवरऑल स्थिति है। और कोई भी व्यक्ति जो ट्रेंड्स देखना चाहता है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के जो ECI ट्रेंड्स की वेबसाइट है उसमें जा कर के ट्रेंड्स भी देख सकता है। हम लोग भी समय समय मीडिया के माध्यम से जो स्थिति है उसके बारे में अवगत कराते हैं।